खूंटी जिले के हेसेल गांव में पली बढ़ी निकी प्रधान को स्थानीय हॉकी कोच दशरथ महतो ने हॉकी की बारीकियां सिखाई। निकी जब चौथी क्लास में थी तो अन्य बच्चों से भिन्न थी। चेहरे में चंचलता और उत्साह था, लेकिन हॉकी में रुचि नहीं थी। जब कोच दशरथ ने उसे चौथी क्लास में हॉकी स्टिक पकड़ाई तो वह मैदान से चुपचाप भाग जाती थी। धीरे धीरे अन्य बच्चों के साथ क्षेत्रीय स्तर पर होने वाले मुर्गा खस्सी टूर्नामेंट में साथ जाकर खेलने लगी। तब निक्की को एहसास हुआ कि अन्य बच्चे बेहतर खेल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं खेल सकती। क्षेत्रीय हॉकी टूर्नामेंट में अपनी बड़ी बहन को देखकर निक्की का जोश भी बढ़ने लगा और मैदान में धीरे धीरे हॉकी स्टिक से गोल पोस्ट पर निशाना साधने लगी। दशरथ महतो ने देखा कि मैदान में निक्की की रनिंग क्षमता अन्य खिलाड़ियों की तुलना में काफी बेहतर है, इसलिए कोच ने निक्की को 2006 में रांची साई सेंटर भेजने की व्यवस्था की। गरीबी के बावजूद दशरथ ने निक्की की लगातार हौसला अफजाई की और उनकी छोटी बड़ी जरूरतों को समय के साथ पूर्ण करते हुए आगे बढ़ने की राह दिखाई। की प्रधान एकदम छोटी थी, दूसरा क्लास में जब वो आई तो उसका एक्टिविटी से हमको शुरू से ही पता चला कि ये लड़की थोड़ा बहुत तेज है। तो जब उसको हम चौथा क्लास में स्टिक पकड़ाए तो नहीं खेलना चाहती थी, स्टिक पकड़ के ग्राउंड घुसती थी और भाग जाती थी, ग्राउंड से बाहर निकल के भाग जाती थी। उसके बाद जब उसकी बड़ी बहन को हम कुछ आगे बढ़ाए, उसको कुछ बढ़िया सिखाए तो वो आगे बढ़ी, तो उसको देख के ये भी वो खेलने के लिए राजी हुई, नहीं तो खेलना नहीं चाहती थी। बाद में हम उसको खस्सी कब मुर्गा कब ये सब में ले गए और वहाँ पर जब वो दूसरे लड़की लोग को देखी कि लड़की लोग इतना अच्छा खेलते हैं तो हम भी खेल सकते हैं, तो इसीलिए वो खेलना शुरू की। और उसका रनिंग इतना अच्छा था, जिसको हम बैटरी टेस्ट में उसको देखे तो बहुत अच्छा ये बैटरी टेस्ट हमको उसको मिला और उसके चलते हमको पता चल गया कि नई लड़की बहुत आगे बढ़ेगी। उसके बाद हम उसको कितनों भी परिस्थिति खराब हुआ, कितनों भी हम लोग को दिक्कत हुआ, हम उसके लिए हॉकी बॉल ये सब व्यवस्था किए और उसको आगे बढ़ाते गए। और बीच में कुछ और भी अड़चन हुआ था, लेकिन हम सोचे कि ये लड़की को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो इसका ज़िंदगी थोड़ा ठीक नहीं होगा, इसीलिए हम इसके लिए कुछ उपाय किए और इसको 2006 में साई टीम बरियातू भेज दिए और वहाँ पर वो रहने लगी और वहाँ पर बहुत अच्छा ट्रेनिंग की, बहुत अच्छी तरह से खेली। बीच में कुछ अड़चने भी आई, फिर भी उसको हॉस्टल से निकाल दिया गया था, लेकिन फिर भी वो रही। और लास्ट में 2011 में जो राष्ट्रीय खेल हुआ झारखंड में, उसमें पूरे भारत देश में सबसे अच्छी बेस्ट प्लेयर चुनी गई और उसको अवार्ड मिला। निक्की की माँ घर के कामकाज में व्यस्त रहती है। शाम का खाना और देहाती मशरूम बनाते हुए निक्की की माँ जीतन भी बेहद खुश है और कहती है, गांव के लोग भी खुश हैं कि हमारे गांव की बेटी देश का नाम रोशन करेगी। निक्की के माता पिता खूंटी के हेसेल गांव में खपरेल के मकान में गुजर बसर करते हैं, लेकिन अब बेटी के आगे बढ़ने से पक्का मकान बनाने का सपना भी पूरा होने लगा है। पिता घर में टीवी देखते हुए कहते हैं कि बेटी विदेश जाएगी और हॉकी में देश का नाम ऊंचा उठाएगी। जब बांस का डंठा बना बना के खेल रहती है से स्कूल में मास्टर आवे के ध्यान दे, स्कूल में रोज नहीं जा रहे हैं, फिर काम कर देने तो बच्चों को मज्जा बोलने से आ के ले जाती थी कसरत मास्टर, तो वही उसका तो गुरु है, तो सब बात जानते हैं सब का सोच है उसका बात है यार। और ब्रजगीत क्या हूँ इधर लेके वही मैसेज कर रहे हैं और सरकार तरह से वही का आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा खेलते खेलते हॉकी डंडा से खेलते खेलते वो आगे बढ़े, बहुत बच्चे आजकल हम लोग गाँव में ऐसे बच्चे सब खेल रही है, छोटी छोटी सुबह शाम खेलती है,
इसी तरह खेलते खेलते मैदान इसी रोड पर खेलते खेलते मैदान वैसी मैदान तो है ही नहीं है वैसे उबड़ खबड़ समतल खेलते थे। इसके बाद मास्टर लाल महतो महापत मास्टर वही सिलेक्शन किया। बहुत अच्छा माहौल है जो जब से निकी सिलेक्शन हुई ओलंपिक के लिए सब गांव वाले खुश है। लेकिन स्थानीय कोच दशरथ ने बताया कि जब 2011 में राष्ट्रीय स्तर हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन झारखंड में किया गया तब राष्ट्रीय स्तर के हॉकी टूर्नामेंट में निक्की को बेस्ट प्लेयर का खिताब मिला। पुनः 2012 में एशियाड में राष्ट्रीय टीम को चैंपियन बनने का गौरव भी मिला जिसमें निक्की प्रधान भी शामिल थी। लगातार 2011 से चल रहे विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट में निक्की ने हॉकी में अपने बेहतर प्रदर्शन की बदौलत देश का नाम रोशन किया। 2016 में रियो में आयोजित ओलंपिक में भी पहली महिला ओलंपियन बनने का गौरव प्राप्त हुआ। फिलहाल टोक्यो में आयोजित होने वाले ओलंपिक में भी झारखंड की दो बेटियां अपनी जगह बनाने में कामयाब रही। स्थानीय कोच दशरथ महतो ने निक्की प्रधान को शुभकामनाएं दी और कहा कि ओलंपिक में हमारी बेटियां देश का नाम जरूर रोशन करेंगी। कार्ड मिला उसके बाद लगातार 2012 में फिर वो चल गई एशियाड वहां भी चैंपियन हुए। उसके बाद लगातार इंडिया टीम में 2011 से लेके अभी तक लगातार खेल रही है और 2016 में रियो ओलंपिक में झारखंड की पहला ओलंपियन बनने का गौरव प्राप्त की जिससे हम जो मन में सोचे थे कि ये अगर ओलंपियन बन जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा और लड़की लिए भी अच्छा होगा झारखंड के लिए भी अच्छा होगा ये सोच के हम सोच ही रहे थे और इसका हुआ। और अभी भी वो दूसरा ओलंपिक फिर खेलने जा रही है तो हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि एक बहुत गरीब घर और बहुत कोई चीज़ सुविधा नहीं था लेकिन सबको हम लोग नज़रअंदाज करते हुए इसको आगे बढ़ाए और इसके काम से हम बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि वो इन साल जापान टोक्यो ओलंपिक जा रही है उससे मेडल लेके आए ताकि हम लोग झारखंड का नाम और रोशन हो। मेरा नाम दशरथ महतो है। मैं करीब 7 इंटरनेशनल और 1 ओलंपियन अपने स्कूल से दिया और इसके लिए हमको बहुत गर्व लगता है कि एक अच्छा अच्छा सेंटर से नहीं निकल पाती इतनी लड़कियां इतना मैंने झारखंड के लिए लड़कियां दी और करीब 57 लड़कियां मेरा हॉकी के चलते सर्विस करती है।